प्रश्न आया है कि देवता में और मनुष्य में क्या अंतर है। ये बार बार आएगा क्योंकि पुरानी पाली भाषा में और खासतौर से जो भिक्षु संघ होता था और जो भगवान बुद्ध स्वयं, हम बहुत सारी जगह उन्होंने देवता और बहुत सारी जगह मनुष्य का इस्तेमाल किया है और बताया है। बेसिकली मनुष्य और देवता में बेसिक जो अंतर है, मनुष्य सभी हैं मगर देवता उसको कहते हैं जो अच्छे काम करता है, कुशल कर्म करता है और जो पांच सील का पालन करता है, जो पांच सील का पालन करता है, अच्छे काम करता है, उसको देवता कह के बताया गया है। और जो पांच सील का पालन नहीं करता, कुशल कर्म नहीं करता, अकुशल कर्म करता है, यानी कि जो बैड वर्क करता है, जिसकी डीड या जिसका कार्य अच्छा नहीं होता, उसको मनुष्य कहा गया है। देवता में देवाती देव भी है। देवाती देव का मतलब है देवताओं का देवता, यानी अच्छे लोगों का भी सबसे अच्छा व्यक्ति, वो बुद्ध के लिए माना जाता है। अगर कहीं देवाती देव, बाद में इसको देवादी देव बोल दिया है, बहुत सारी जगह पिक्चरों में आपने देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, खास तौर से साउथ के अंदर बोलते हैं देवारे देवा, देवारे देवा, देवादी देवा। ये बेसिकली पाली में शब्द है देवाती देवा, देवाती देवा, यानी देवों का देव। और जब इसको हम बोलते हैं देवादी देव या देवारे देवा, तो इसका मतलब हम भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को, सुगत को, सम्यक सम्बुद्ध को इंगित कर रहे हैं। धन्यवाद।